तो अब हम चलते हैं भोला का जीव देखने के लिए। जोरदार तालियां, इतनी तेज तालियां होनी चाहिए कि बच्चे पीछे जो खड़े हैं,
उसे लापता है वो अब तक ना मिला। मैंने अपने यमदूत को भेजा तो था लाने के लिए, लेकिन वो उसे चकमा देके भाग भाग गया। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? Oh, I see. What you say? Can't see. भोला राम कहाँ चला गया? मुझे लगता है कि भोला राम ने इनका टैक्स ले
अरे महाराज, आप इस कैसी चिंता में पड़ गए? आप यहाँ पे साल भर भी रुकोगे ना, तभी कुछ काम नहीं हो पाएगा। इससे बढ़िया है कि तुम बड़े साहब के पास चले जाओ, वहाँ भी उसको खुश कर लो, फिर सारा काम तो हो ही गया। और ये बड़े साहब कहाँ है? बड़े साहब शायद उस कमरे में होंगे। ठीक है, मैं वहीं पे जाता हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। कुछ नहीं पता, अब ये भी एक मंदिर जैसा ही है तो यहाँ थोड़ा सा दान पुण्य तो बनता ही है, आप तो समझ ही रहे होंगे। नहीं। अरे साधु बाबा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़े से पैसे वैसे मिल जाए तो बात तो बनी जाएगी। लेकिन मुझ जैसे मामूली से साधु के पास पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो कैसे चलेगा? को थोड़ा सोचने दो। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये तो आप बजाते ही होंगे। हाँ जरूर। तो इसमें से तो मधुर आवाज निकलती होगी। हाँ जरूर। तो ऐसा करिए, ये इंस्ट्रूमेंट हमें दे दीजिए। क्या ये इंस्ट्रूमेंट वो भी आपको? हाँ जी, ये देखिए, ये तो नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर आप इंस्ट्रूमेंट हमें नहीं देंगे तो हम भी फाइल ला कर नहीं देंगे। अरे आप बुरा क्यों मान गए? ये लेकर आप लीजिए, आप ही लीजिए, तो आप लीजिए, तो आपका ही है ना। दे दीजिए। अब जल्दी से जरा मेरी पेंशन का ऑर्डर निकलवाइए। हाँ हाँ लाते हैं, थोड़ा सबर करो। रामू। हाँ साहब। जरा भोले राम की फाइल तो लेकर आना। कौन सी? अरे वही जो अलग से रखी हुई थी, जिसमें धूल मिट्टी लगी हुई थी। ठीक है साहब, लाता हूँ। ठीक है साहब। इतना देर क्यों लगा दिया? अरे साहब, इसमें बहुत ज्यादा धूल मिट्टी लग रखी थी और जाने लग रखे थे, साफ करने में तो टाइम लगता है, इसलिए टाइम लग गया साहब। एक काम लिया था तुमसे, वो भी ढंग से नहीं होता। चलो जाओ। ठीक है साहब, मैं जाता हूँ। अब जरा जल्दी से मेरी पेंशन का ऑर्डर निकलवाइए। मक्खी कौन पुकार रहा है मुझे? अरे ये आवाज कहाँ से आई? पोस्टमैन है या फिर पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? क्या तुम भोला राम हो? हाँ। मैं भोला राम हूँ, मैं नारद हूँ और मैं तुम्हें स्वर्गलोक लेने आया हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की रिक्वेस्ट में अटका हूँ, मेरा यही मन लगा है, मैं पेंशन छोड़ के नहीं जा सकता। हम अंग्रेजों से तो आजाद हो चुके हैं लेकिन आज भी भ्रष्टाचार के शिकार बने हुए हैं। आपने देखा कैसे भोला राम भी
फिर से चमके टिम टिम तारे, फिर रातों को चांद मिला, मिटकर बादल थम गए तूफान, फिर से अंबर खुला खुला, ओ हा ओ हा, फिर से चमके टिम टिम तारे, फिर रातों को चांद मिला, मिटकर बादल थम गए तूफान, फिर से ये था नाटक भोला राम का जीव। बच्चों की एज आप देख रहे हैं, कोई बच्चा डायलॉग भूला? हम बोलते हैं कि हमारा थिएटर करने के बाद बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ती है, हम प्रूव करते हैं इस चीज़ को। एक बच्चे ने डायलॉग नहीं भूला होगा। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। और बच्चों की एज आप देख रहे हैं, ये सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतने ऑडियंस का सामना पहली बार कर रहे हैं। और अब हिमांशु और गौरांग ने इन दोनों नाटकों को का निर्देशन किया था। हिमांशु और गौरांग को भी अपना मंच पाओ। हिमांशु गौरांग बताओ बेटा, कौन सी क्लास में हो? थर्ड। आप कौन सी क्लास में हो? थर्ड, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, थर्ड। फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, टेंथ। ये टेंथ बच्चा बड़ा है। आप देखिए थर्ड फोर्थ। इससे पहले मैं साहसी मैना नाटक हम आपको दिखाएंगे। प्रभात अपने बच्चों को तैयार कीजिए। प्रभात, साहसी मैना, एक जोरदार तालियां बच्चों। थर्ड क्लास के बच्चे अगर स्टेज पर आके बिना रोके नॉन स्टॉप, हम लोग ना बचपन से रामलीला देखते आए हैं। हम देखते हैं, कोई रामलीला हमने ऐसी नहीं देखी जिसमें जो है डायरेक्टर पीछे कॉपी लेके नहीं खड़ा होता, प्रॉम्प्ट करता रहता पीछे, कोई नहीं देखी हमने। लेकिन हम लोग कोई प्रॉम्प्ट, और आपको चीज़ बताएं, ऐसा नहीं कि बच्चे डायलॉग नहीं भूले होंगे, भूले होंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग उन्होंने किया होगा पक्का। वो ऑन द स्पॉट उन्होंने डिसीजन लिया। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कहाँ है काव्या? ये लड़की रोल कर रही है। बीच में एक डायलॉग था, तुम तो लड़की हो तुम्हें क्यों बोला कि सुना था आपने? हैं, जाऊंगी, लेकिन उन्होंने संभाला सीट को, संभाला, संभाला ना। तो ये हम सिखाते हैं बच्चों को कि आपने स्टेज पर अगर कुछ हो जाए तो कैसे संभालना है, खुद अपने माइंड का प्रयोग करना है। और अब हम आपको दिखाते हैं, हम बच्चों को सर्टिफिकेट सबको एक साथ बांट देंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू।